हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से अमेजन को चैनल पे। और हम उसी सीरीज को कंटिन्यू अभी आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स आपको ट्रिग्नोमेट्री के बता रहे हैं। और हमने ये दावा किया था कि आप चाहे जिस किसी स्कूल में भी पढ़ते हैं, आपके फाइनल एग्जाम में जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं 15-16 क्वेश्चन के अंदर से आएंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनका लिस्ट बनाइए और इनको जरूर सीखिए। तो आज का जो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है, प्रूफ दैट cos रेस टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos रेस टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos रेस टू द पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos रेस टू द पावर 4 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 3/2 प्रूफ करें। क्या करें, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, LHS हमने इसका ले लिया, ये है cos रेस टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos रेस टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos रेस टू द पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos रेस टू द पावर 4 7 पाई बाई 8। तो ये इसमें पाई बाई 8 सबको पता है कि 22.5 डिग्री है, तो ये 22.5 और 22.5 गुने 3 22.5 इंटू 3 67.5, ये दोनों तो एक्यूट है और ये दोनों बड़े दिख रहे हैं। ये काम करते हैं, पहले तोड़ते हैं ना, तोड़ के देखते हैं कुछ कट जाए या कुछ छोटा हो जाए। तो तोड़ते हैं वैसे ही जैसे तोड़ा जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस करेंगे आगे चल के, कॉस रेस टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 भी लिख दिया और ये कॉस रेस टू द पावर 4 पाई माइनस, क्या सिखाया था पिछले वीडियो में, 8 माइनस 5 हो गया 3 3 पाई बाई 8 और प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 फिर पाई माइनस, क्या 8 में से 7 घटा दो पाई बाई 8। अब ऊपर पावर 4 है, अब ये ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड का पावर 4 भी प्लस मतलब माइनस आ जाए या प्लस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा कॉस रेस टू द पावर 4 पाई बाई 8, पावर इवन नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव कर देगा नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को पॉजिटिव तो करेगा ही। तो ये पाई ने कहा कि चेंज मत होना, नहीं होंगे चेंज, जाओ 3 पाई बाई 8 आ गया, यहाँ भी चेंज मत होना, पावर 4 है कोई डर नहीं है, तो ये पाई बाई 8 हो गया। कुछ फायदा हुआ, थोड़ा गौर से देखो, थोड़ा फायदा हुआ कि पाई बाई 8 पाई बाई 8 कम से कम 4 वैल्यूज नहीं 2 निकालने पड़ेंगे, तो इसको इसको एक साथ कर दें हो जाएगा 2 कॉस रेस टू द पावर 4 पाई बाई 8 और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2 कॉस रेस टू द पावर 4 3 पाई बाई 8। अब कोई गुंजाइश नहीं, अब दोनों एक्यूट एंगल आ गया। अब ये काम करते हैं ना, पावरलेस करो इसको, और पावरलेस कैसे करोगे, यहीं पे आके बच्चा लोग फंस जाता है। पावरलेस करने का तरीका क्या होता है, जैसे हजारी फार्मूला मैं बार बार बोलता हूँ, हजारी फार्मूला वीडियो भी डाला कि जरूर याद करो, ये 1000 बार यूज होगा, जो बच्चा मानता है वो सुखी रहता है। हजारी फार्मूला क्या था, अगर 1 प्लस कॉस 2x है तो ये 2 कॉस स्क्वायर x हो जाता है। अरे भाई तो पावर गायब करना है तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस कॉस 2x और अपॉन में 2, यही तो होगा। तो उठाओ और लिख दो, क्या सोच रहे हो, ये रहा कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिखोगे, 1 प्लस, लेकिन पावर 4 है, एक स्टेप इंतजार करो, अगर पावर 4 है तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर कर दो। और इधर भी मैं 4 पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 इसका, अब लगाओ फार्मूला, अब कॉस स्क्वायर एक्स को ये लिखो, लिखो 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 लिखो, क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2x मतलब इसका डबल करो, अरे इसको 2 से इंटू कर दो भाई, कितना है, आप कितना सोचते हो, 2 8 कितना हो गया, 2 चौके 8 पाई बाई 4 हो गया ना, पाई बाई 4 हो गया, ये बन गया 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो ये वैल्यू देगा ना, कॉस पाई बाई 4 तो टेबल में होता है, यहाँ भी क्या होगा, इसको लिखोगे 1 प्लस कॉस एंगल का जैसे ही डबल करोगे 2 से गुना करके देखो, इसको 3 पाई बाई 4 बन गया और अपॉन में 2 और इसका भी होल स्क्वायर। अब कौन ट्रिग्नोमेट्री में इतना दिमाग लगाते हैं, इनके वैल्यूज डाल दो, ये 2 इंटू 1 प्लस
कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू होता है अपॉन में टू, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ 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 कॉस पाई बाई फोर यहाँ भी वन बाई रूट टू होता है, लेकिन है कौन सा क्वाड्रेंट, 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है अपॉन में टू और इसका होल स्क्वायर। कुछ तो होगा भाई, ये टू इंटू, इसको अभी काम करो ना, एलसीएम ही करो, एलसीएम जब करोगे तो रूट टू ऊपर जाएगा, प्लस का वन अपॉन रूट टू इंटू में टू होल स्क्वायर। हाँ कुछ आसान हो रहा है, यहाँ एलसीएम करो, रूट टू माइनस वन अपॉन में रूट टू इंटू में ये टू आ गया होल स्क्वायर। अब तो आसान हो गया, ये क्या बन गया, टू इंटू रूट टू प्लस वन का स्क्वायर, और नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर हो गया दो, और दो का स्क्वायर हो गया चार, फिर टू इंटू रूट टू माइनस वन का स्क्वायर, और नीचे रूट टू का स्क्वायर, अरे भाई स्क्वायर सब पे है ना, रूट टू का स्क्वायर दो और दो का स्क्वायर हो गया चार, दो से दो यहाँ भी कट गया और दो से दो यहाँ भी कट गया। अब जो बचा उसको देखते हैं ना गौर से, पहले फोर तो बचा कम से कम, रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में फोर, और प्लस रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में फोर। अब वन, अब इंतजार नहीं हो रहा है, वन बाई फोर कॉमन करो और खोल दो इसको, वैसे ही इनके लिए फार्मूले भी है, लेकिन कौन इतना बच्चा कौन फार्मूला याद करेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। छोड़ो फार्मूला को, कितना दिमाग में बर्डन डालोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हम अभी तो यही बात बोल रहा था, छोड़ो, दो एक तीन, दो एक तीन, और तीन और तीन कितना हो गया छः, तो वन बाई फोर इंटू में आ गया सिक्स, और दो से काट दिया तो आ गया थ्री बाई टू, अरे लग रहा हो गया, अरे हाँ ये देखो थ्री बाई टू ही तो चाहिए, यानी राइट हैंड साइड आ गया, और ये लो ये प्रूव हो गया। तो लड़ो, लड़ना सीखो, इसमें था कुछ थोड़े ना, ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको क्या बताते हैं, प्लस माइनस में है तो इनटू में कर दो, इनटू में है तो बिखेर दो, क्वेश्चन अगर इनटू में है प्रूफ करना है तो बिखेर दो, अब प्लस माइनस में तो इनटू में कर दो। पावरलेस है तो हजारी फार्मूला लगा के पावर बना दो, और अगर पावर में है तो पावरलेस कर दो, सब एक जैसा, जो पावर में है वो भी, जो पावरलेस है वो भी, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तुम सोचो जो पावर में है वही चलेगा, पावरलेस का कोई वैल्यू ही नहीं है, तब कहाँ कर पाओगे तुम। तो पावर में हो तो पावरलेस तुरंत बनाओ, ए आजा नीचे, और जो पावरलेस है उसको पावर में पहुंचाओ, बैलेंस रहेगा इससे। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेके, इसी सीरीज का लास्ट होगा, 16वां क्वेश्चन होगा, कंप्लीट 16 क्वेश्चन हमने आपके लिए स्पेशल डाल दिए हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री के जब वीडियोज देखेंगे तो आपको ये स्पेशल प्रॉब्लम मिलने शुरू हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल टॉपिक से। हाँ बिल्कुल, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देखेंगे, आपको मिलेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन का इंतजार कीजिए, अगले लेक्चर में हम लेके आते हैं लास्ट क्वेश्चन, स्पेशल लास्ट प्रॉब्लम। इन 16 क्वेश्चंस को ढंग से सीख जाइए, प्रिपेयर कर लीजिए, आपका क्वेश्चन जो फाइनल में आएगा ना इसी में से आएगा, ये 100% सी हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।